दोस्तों, मुंबई के दो फेमस डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, ये दोनों ही देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन मुंबई में अपनी दहशत और अपना नाम बनाए रखने के लिए ये आए दिन अपने गुर्गों से किसी न किसी का मर्डर करवाते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर मिडडे में काम करने वाले एक फेमस क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे के दिन दहाड़े गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया जाता है, और इस मर्डर का मास्टरमाइंड होता है छोटा राजन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों छोटा राजन ज्योतिर्मय डे के दिन दहाड़े हत्या करवाता है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। 11 जून 2011 ये वो दिन था जब ज्योतिर्मय डे, जिन्हें जेडे के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी बाइक से घर वापस जा रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि एक ब्लैक कलर की क्वालिस कार और बाइक में सवार कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही जेडे मुंबई के पवई इलाके में हीरानंदानी गार्डन के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के बाइक में सवार शूटर्स उन्हें गोली मार देते हैं। उन्हें 5 बार सीने में गोली मारी गई थी, जिसके बाद क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया और उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये मर्डर छोटा राजन ने उनसे करवाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस समय एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पुलिस क्लेम करती है कि जेडे मर्डर केस में इंग्लिश न्यूज़पेपर एशियन एज में काम करने वाली जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा का भी हाथ है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने धड़ाधड़ जिग्ना वोरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और कुछ ही टाइम बाद जिग्ना वोरा को जेल भी हो गई। उसके बाद आया साल 2016 और जेडे मर्डर केस चला जाता है सीबीआई के पास। दोस्तों, वैसे ये सब थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थे जेडे। दोस्तों, ज्योतिर्मय डे मीडिया के बीच जेडे के नाम से फेमस थे, और वो इंग्लिश न्यूज़पेपर मिडडे के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टर थे, जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की छोटी से छोटी चीज से वाकिफ थे, और उनके पास सोर्सेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स के बीच चल रही हर छोटी बड़ी घटनाओं की अपडेट उन्हें देते रहते थे। सन 1996 में जेडे द इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहीं पर वो क्राइम रिपोर्टिंग में धीरे धीरे अपना नाम बनाते हैं, जिसके बाद जल्द ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर मिडडे में एज अ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज्वाइन करते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग जेडे के बारे में बताते हैं कि वो बेहद शांत और कड़ी मेहनत करने वाले रिपोर्टर थे, जिनका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर रहता था। जेडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने छोटा राजन पर कई स्टोरीज पब्लिश की थी, जिसमें वो छोटा राजन को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने उसे चिंदी तक कह डाला था। अपने मर्डर से पहले जेडे ने महाराष्ट्र के तेल माफियों के बारे में लिखा था और उनका भांडाफोड़ किया था। उन्होंने कई इल्लीगल एक्टिविटीज का भांडाफोड़ भी किया था, जिसमें मुंबई पुलिस के कई ऑफिसर्स तक शामिल थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं, और जेडे ऐसे ही लोगों के लिए खतरा बन चुके थे। उनके बारे में कहा जाता था कि किसी क्राइम की कोई खबर पुलिस के पास भले ही ना हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हर खबर जेडे के पास होती थी, और यही वजह थी कि अंडरवर्ल्ड भी जेडे से काफी खौफ खाता था। दोस्तों, जेडे अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी सच्चाइयों पर बेस्ड एक किताब लिख रहे थे, और इसी सिलसिले में वो इन्फॉर्मेशन जुटाने और फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से मिलते रहते थे, जिसमें से ज्यादातर छोटा राजन के दुश्मन गैंग के मेंबर थे। छोटा राजन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि जेडे उसके दुश्मनों से मुलाकात कर रहे हैं, और जेडे को भी ये पता चल चुका था कि उनकी मुलाकातों की खबर राजन को मिल चुकी है, जिसके बाद जेडे फिलीपींस और लंदन में छोटा राजन से मिलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बात और बिगड़ती चली जाती है, जिसके बाद राजन ने जेडे को धमकी भरे मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए और कहा कि वो किताब लिखना बंद कर दे। दरअसल राजन को इस बात का शक था कि जेडे इस किताब में उसकी नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम को उससे बेहतर बता रहे हैं, जिसके बाद जेडे छोटा राजन की धमकियों को इग्नोर करते हैं और एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जहां एक तरफ उन्हें छोटा राजन से धमकियां मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेडे के 2 आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जिसमें पहले आर्टिकल का टाइटल होता है क्या राजन ने दाऊद इब्राहिम कास्कर पर हमले की साजिश रची थी। इस आर्टिकल में डे ने लिखा था कि अंडरवर्ल्ड के शेर कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम के मुंह का निवाला छीनने के लिए बेताब छोटा राजन इस शूटआउट के लिए हड़बड़ाया हुआ था, और दूसरे आर्टिकल का टाइटल होता है छोटा राजन के गुर्गों की तीर्थयात्रा खत्म। इस आर्टिकल में जेडे ने राजन की इल्लीगल एक्टिविटीज को लेकर उसकी नेगेटिव इमेज दिखाई थी। जब इन 2 आर्टिकल्स की खबर छोटा राजन तक पहुंचती है तो वो गुस्से में आ जाता है, और सतीश कालिया, जो कि छोटा राजन के ही गैंग का मेंबर था, उसे जेडे के मर्डर करने की जिम्मेदारी सौंप देता है। सतीश कालिया और उसके साथी जेडे पर कुछ दिनों तक नजर बनाए रखते हैं, और लास्ट में 11 जून 2011 को जब जेडे पवई स्थित अपने घर की तरफ बाइक से जा रहे थे,
तभी सतीश कालिया और उसके साथियों ने जेडे पर एक एक करके 5 गोलियां दागी, जिसके बाद क्रिटिकल हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है और इसमें छोटा राजन का नाम सामने आता है। जिसके बाद 1 जुलाई 2011 को छोटा राजन का फोन आता है एक हिंदी न्यूज चैनल को, जिसमें वो खुद कबूल करता है कि उसने ही जेडे को मारा है और उसके पीछे के रीजंस भी बताता है। सबसे पहला रीजन, छोटा राजन बताता है कि जेडे दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग से जुड़ा हुआ था। दूसरा रीजन, छोटा राजन ने बताया कि जेडे हमेशा उसके बारे में नेगेटिव खबरें लिखता था और दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत बढ़िया बातें, वो दाऊद इब्राहिम को हमेशा उससे बड़ा और पावरफुल बताता था और ये चीज उसे पसंद नहीं आई और उसने जेडे का मर्डर करवा दिया। इस मामले में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब छोटा राजन खुद मीडिया को बताता है कि इस मर्डर में जिग्ना वोरा का भी हाथ है, जिग्ना वोरा जो कि एक जर्नलिस्ट थी और साथ ही जेडे की कॉम्पिटिटर भी थी। छोटा राजन का कहना था कि जिग्ना वोरा ने ही उसे जेडे के खिलाफ भड़काया था। छोटा राजन बोल रहा हूँ। हाँ, वो लेडी है ना, जागृति पाठक, उसी ने भड़काया था मुझे, तो मैंने सेन को ठोक दिया। जिसके बाद मुंबई पुलिस जिग्ना वोरा को अरेस्ट कर लेती है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस जिग्ना वोरा पर ये आरोप लगाती है कि उन्होंने छोटा राजन की गैंग को जेडे की लोकेशन के बारे में बताया था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जिग्ना वोरा फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू छोटा राजन से कम्युनिकेट करती थी और उसे जेडे की मोटरसाइकिल के बारे में भी डिटेल्स जिग्ना वोरा ने ही दिए थे। लेकिन जिग्ना वोरा इन चार्जेस को डिनाई करती है और कहती है कि उनका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इस केस का ट्रायल 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें जिग्ना वोरा पर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन सन 2018 में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने जिग्ना वोरा को सारे चार्जेस से बरी कर दिया था। कोर्ट का ये भी कहना था कि प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रेजेंट किया गया एविडेंस उनके इन्वॉल्वमेंट को रीजनेबल डाउट के बिना एस्टेब्लिश करने में सफिशियंट नहीं था। कोर्ट का ये भी कहना था कि जिग्ना के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो दिखाए कि वोरा का इस मर्डर केस में कोई रोल था या उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज थी। दोस्तों, जेडे मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था जिसने देश में बहुत ज्यादा अटेंशन पाई थी। इस केस ने हमें बताया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कितने रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं जो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज पर रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेडे मर्डर केस से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।